टू माई चैनल एंड जॉब वॉचिंग प्रेगनेंसी एंड बेबी केयर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक साल का बच्चा क्या क्या चीज़ें खा सकता है, उसके लिए हम स्पेशली और क्या चीज़ें दे सकते हैं, क्या हमारी मेंटालिटी होती है, क्या वो सही है या गलत है, या किस वजह से बच्चा कई बार खाने को डिनाई मना कर देता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। सो वीडियो पॉइंट तक जरूर देखिए, वीडियो हेल्पफुल लगता है, पसंद आता है देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए कि क्या आपका बच्चा अच्छे से खाता है या कुछ नखरे दिखाता है, टेंट्रम्स दिखाता है, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो जरूर करेंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइज, जैसे ही बच्चा एक साल का होता है, हम सभी लोगों की मेंटालिटी होती है कि अब तो मेरा बच्चा एक साल का हो गया, अब तो ये सब चीज़ें खा लेगा, क्योंकि एक साल का बच्चा तो वो सब चीज़ें खा सकता है जो हमारे घर में बन रही हैं। उसके बाद होता क्या है कि सीन कुछ ऐसे 360 डिग्री रोटेट हुआ नजर आता है। होता क्या है कि हम बच्चे को वो खाना ऑफर करते हैं और बच्चा उसको जस्ट मना कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसा आखिर होता क्यों है? देखिए, जो हमारी मेंटालिटी है वो ये कह रही है कि जैसे ही बच्चा एक साल का हुआ वो वही सब खाना खाएगा जो हम खा रहे थे। लेकिन आप वहां पर मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी तक आप खाना अपना अच्छा स्पाइसी फूड बनाते थे, चटपटा मसालेदार और खूब सारा ऑयल उसके अंदर, मतलब एकदम लजीज खाना आप बनाते थे और वही खाना आपने बच्चे को ऑफर कर दिया। और बच्चा अभी तक क्या खा रहा था? एक साल से पहले वो बिल्कुल फीका उबला हुआ खाना खा रहा था। देन हाउ कैन ही और शी एक्सेप्ट दिस फूड? नहीं कर पाएगा ना उस फूड को एक्सेप्ट, कहाँ तो उबला हुआ और कहाँ एकदम मस्त तड़के वाला खाना आप उसको खिला रहे हो। तो वो चीज़ बच्चा एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको यहाँ पर क्या चीज़ समझने की जरूरत है वो आप समझिए कि अगर बच्चा एक साल का हो भी गया है तो आपको ये नहीं सोचना है कि जो हमारे खाने में परोसा गया है वही सब कुछ हम बच्चे को परोसते हैं। नहीं, अगर आपने सब्जी बनाई है चटपटी मसालेदार, तो जब आप उसके अंदर फाइनल मसाले डालते हैं जो चटपटा होता है, तो वो चीज़ें आपको बच्चे के खाने में नहीं डालनी है। फिर आप खाना कैसे बनाएंगे बच्चे का? तो देखिए, बच्चे का खाना बनाना बहुत ही सिंपल है। जैसे आप दाल बनाते हैं, रेगुलर यूज की दाल होती है, वही आपको दाल बनानी है, लेकिन उसके अंदर आपको मिर्ची ऐड नहीं करनी है। मींस आपने हींग जीरे का और लहसुन का तड़का लगाया, लेकिन मिर्च का तड़का आपको उसके अंदर नहीं लगाना है। अगर आप मिर्च डालना भी चाहते हैं, आप बोलेंगे हमारे घर में तो ऐसा फीका खाना कोई नहीं खाता है, तो आपको करना क्या है, दाल पूरी बन गई है, बच्चे के लिए कटोरी आप निकाल दो, उसके बाद उसके अंदर 1/4 टीस्पून जितनी भी आपके घर में मिर्ची खाई जाती है वो आप डाल सकते हो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि हरी मिर्च को 2 टुकड़ों में काटकर हल्का सा घी में भूनकर आप उसमें ऐड कर दीजिए, तब भी अच्छा तीखापन सब्जी में या दाल में आ जाता है और बच्चे के लिए भी आपकी अलग की अलग निकल जाती है। ये चीज़ आप फॉलो कर करना है। प्लस 6 मंथ प्लस है, दूध पीने में टेंट्रम्स दिखा रहा है, लेकिन हमें बच्चे को कैल्शियम देना तो बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है। मीन्स दूध के बने हुए प्रोडक्ट से भी हमें कैल्शियम मिलता है, जो हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। प्लस ऐसे समय में बच्चों के दांत आ रहे होते हैं, टीथिंग्स हो रही होती हैं, तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चे अगर दूध पीने में नखरे दिखाएं तो आप बच्चे को पनीर ऑफर कर सकते हैं, मक्खन ऑफर कर सकते हैं, मक्खन जो घर का बना हुआ ताज़ा व्हाइट मक्खन होता है वो आप बच्चे को ऑफर कर सकते हैं, दही आप बच्चे को दे सकते हैं, गर्मियों का मौसम है, दही छाछ आप बच्चे को दीजिए, ये बच्चों को काफ़ी अंदर से ठंडक भी पहुंचाता है और बच्चों के शरीर को रिक्वायर्ड भी होता है, तो आप ये चीज़ें बच्चों के खाने में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। बच्चे को किस समय पर किस टाइप का फूड देना है ये आपको पता होना चाहिए। मींस जब बच्चा 6 मंथ का होता है तब हमें बच्चे को प्यूरिट फॉर्म में खाना देना होता है। जैसे ही बच्चा 6 मंथ से लेकर 9 मंथ तक का फेस कंप्लीट कर लेता है तब हमें बच्चे को फिंगर फूड पर शिफ्ट कर देना चाहिए। कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें आप प्यूरिट फॉर्म में दे सकते हो, लेकिन अब आपको बच्चे को फिंगर फूड पर शिफ्ट करना है। ऐसा ना हो कि आपका बच्चा अभी तक एक साल का हो गया है और वो केवल प्यूरिट फॉर्म में ही खा रहा है। आपको बच्चे का फूड ट्रांजिशन करना ज़रूरी है और ये आपको पता होना चाहिए कि हमें किस समय पर फूड ट्रांजिशन करना है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो किया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि बच्चे को किस एज में किस तरह का फूड हमें ऑफर करना चाहिए, तो प्लीज उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इस वीडियो के एंड में भी चेकआउट करना ना भूलें। तो अभी आपको बच्चे को 9 मंथ के बाद फिंगर फूड पर शिफ्ट करना है। फिंगर फूड क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आपने बच्चे को अभी तक आप एप्पल की प्यूरी बनाकर दे रहे थे, अब आप एप्पल की फांक काटकर बच्चे को दीजिए, बच्चा उसको धीरे धीरे च्युइंग करेगा। और आपको बच्चे को च्युइंग करना भी सिखाना है,
अब वो आप कैसे सिखाएंगे? बहुत बार ऐसा होता है कि आपने फाक दी, बच्चे ने गले मटका ली, बहुत केसेस मैंने ऐसे सुने हैं, लेकिन मेरी बच्चे अभी 14 मंथ्स की है एंड टच वुड मुझे कभी आज तक ये प्रॉब्लम नहीं हुई। रीज़न, जैसे ही मैंने अपने बच्चे को वो फिंगर फूड ऑफर किया तो मैंने उसको हमेशा दिखाया कि बेटा आपको इस तरह से करना है, मीन्स मुंह ऐसे कैसे चलेगा, जो चीज आपके मुंह में है जब आप उसको काटोगे चबाओगे तब आपका मुंह इस तरह से चलेगा। और जब भी आप खाना खाएं, बच्चे के सामने बैठकर खाएं, बच्चे आपके वो माउथ के मूवमेंट्स देखते हैं कि किस तरह से आपका माउथ मूव कर रहा है, वो बच्चे वहां से भी सीखते हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। तो आप बच्चे को चबाना सिखाइए, तभी आप बच्चे को वो फिंगर फूड ऑफर कीजिए। आप उबली हुई गाजर दे सकते हैं, उबला हुआ आलू जिसको आप फ्रेंच फ्राइज में कट करके बच्चे को दे सकते हैं, ये भी एक बड़ा अच्छा फिंगर फूड का ऑप्शन है। इस समय गर्मियों का मौसम है तो खीरा ककड़ी आ रहे हैं, ये आप बच्चे को ऑफर कर सकते हैं, टमाटर ऑफर कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे फिंगर फूड हैं ये, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये आप बच्चे को ऑफर कर सकते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे बच्चे को रोटी चपाती खिलाने के ऊपर लेकर आ सकते हैं। वन ईयर का हो जाने के बाद सोचते हैं कि अब तो बच्चा पराठा खा लेगा, मजे से खाएगा पराठा रोटी, लेकिन अब क्या होता है कि आपने से पराठा बनाया, आपने उसको तोड़ा और बच्चे को ऑफर कर दिया, बच्चा उसको अभी नहीं च्यूइंग कर पाएगा। भाई आपके अभी तक पूरे 32 दांत जब हो जाते हैं उसके बाद ही तो आप अच्छे से च्यूइंग कर पाते हो ना। कुछ लोग जो बूढ़े हो जाते हैं जिनके दांत टूट जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, हम चबा नहीं पा रहे हैं। तो सेम केस बच्चों के साथ होता है, जो बुढ़ापा होता है और जो बचपन होता है इट इज एग्जैक्टली सिमिलर, मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे को रेप्लीकेट करती हैं वो दोनों चीजें। तो बच्चों के साथ भी ऐसे ही होता है, तो बड़े लोग क्या करते हैं उसको मैश करके खाते हैं ताकि वो उसको आराम से च्यूइंग कर पाए। एग्जैक्टली ऐसे ही आपको भी करना है। बच्चे भले ही एक साल के हो गए हैं लेकिन आपको बच्चे के लिए एकदम सॉफ्ट रोटी या पराठा बनाना है। फर्स्ट थिंग की कोई भी चीज कुरकुरी उनको बनाकर मत दीजिए, वरना उनके जॉ ये जो जबड़े होते हैं उसमें चुभेंगी वो चीजें, तो वो आपको अवॉइड करना है। बच्चे के रोटी आपने फुल्का सॉफ्ट सा बनाया और जैसे एकदम खौलती हुई गर्म दाल है उसके अंदर तुरंत डिप कर दिया, डिप करके उसे 20 मिनट के लिए रख दीजिए। 20 मिनट के बाद आप देखेंगे दाल भी हल्की सी ठंडी हो गई, जो बच्चे को खिलाने के लायक टेम्परेचर उसका हो गया, प्लस वो रोटी इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि मुंह में जाते ही बच्चा बस हल्का सा च्यूइंग करेगा और वो आराम से निकल लेगा। तो आपको ये चीज पता होनी बहुत जरूरी है कि हमें किस तरह से बच्चे को ऑफर करना है, तभी बच्चा उसको आसानी से खा सकता है। बच्चे के खाने में वेजिटेबल्स बचपन से ही उसे आदत डालिए, ऐसा ना हो कि बच्चा बड़ा हो जाए और उसको फिर वेजिटेबल्स की आदत ही ना पड़े, बच्चा केवल आलू ही आलू खा रहा है, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। जब बच्चा एक साल से छोटा होता है ना तो आप उसे कुछ भी चीजें खिलाओ, मतलब बड़े आराम से खा लेता है, उसे आप पालक की प्यूरी खिला दो खा लेगा, बीटरूट चुकंदर की प्यूरी खिला दो खा लेगा, गाजर की प्यूरी खिला दो खा लेगा। मतलब एक साल से छोटा बच्चा आप उसे किसी भी चीज़ की प्यूरी बना के खिलाओगे ना, थोड़ा सा टेस्ट उसमें ऐड कर दो, मतलब जैसे अगर बीटरूट है तो ऑलरेडी अपनी मीठी होती है, उसमें आपको कुछ भी मिठास ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पालक की प्यूरी है तो हल्का सा उसके अंदर नमक मलाई ऐड कर दो तो उसमें टेस्ट बढ़ जाता है, मतलब टेस्ट तो आपको अपने आप बढ़ाना पड़ेगा। भुना हुआ जीरा पाउडर आपने ऐड कर दिया तो उससे भी टेस्ट बढ़ जाता है। तो बच्चे को ना जब एक साल से छोटा है तभी आप उसे इन सब्जियों की आदत डालो, खिचड़ी बनाई उसके अंदर आपने पालक कट करके डाल दिया, तो ऐसे बच्चों को इन सब चीज़ों का टेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जब बच्चा बड़ा होगा आप उसे एक्चुअल वही सब्जियां खिलाओगे जो आप लोग खाते हो तो उसे वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसने बचपन से उन सब चीज़ों को टेस्ट किया है एंड एक्सेप्ट किया है। लौकी तुरई आप उसकी खिचड़ी में डाल के उसको खिलाना स्टार्ट करो तो बच्चे को उस चीज़ का टेस्ट आ जाएगा और वो उसको ज़रूर एक्सेप्ट करेगा। मैं जब राव्य छोटी थी, मतलब एक साल से छोटी थी, तभी मैं उसकी खिचड़ी में गाजर बीन्स और मटर लौकी तोरी पालक ये सब कट कर करके डाल देती थी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज डिफरेंट डिफरेंट डेज पर मैं उसको देती थी, लेकिन उसे इन सब चीज़ों की आदत हो गई। फिर अभी मैं जैसे उसको गाजर खिलाती हूँ बड़े शौक से खाती है, लौकी उस दिन मैंने उसको खिलाई, 14 महीने की हो चुकी है अभी तक मेरी बच्ची, वैसे तो लौकी बड़े शौक से उसने खाई। मैंने बहुत बच्चों को देखा है वो सब्जियाँ एक्सेप्ट ही नहीं करते क्योंकि हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक्स की हैं, लेकिन कोई बात नहीं पेरेंट्स, अगर अभी तक आपका बच्चा 1 ईयर प्लस भी हो गया है ना, अभी भी देर नहीं हुई है। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेसिपीज उनके लिए डालिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेसिपीज उनके लिए ट्राई कीजिए,
ट्रस्ट मी गाइस, कुछ भी डिलीशियस बनाओगे, अच्छे से प्रेजेंट करोगे ना, बच्चे ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। आपको कौन कौन सी रेसिपीज चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। मेरा एक रेसिपी कुकिंग चैनल भी है, वहाँ पर मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, तो आप मुझे प्लीज़ कॉमेंट्स करके बताइए अगर आप कोई रेसिपी चाहते हो सब्जियों से रिलेटेड। उत्पम आप बच्चे को बना के खिला सकते हो, जैसे अभी राव्या 14 मंथ्स की है, उत्पम उपमा तो मैं उसको ना मतलब जब 10 मंथ्स की थी तभी से देती थी, उसमें भी काफ़ी सारी वेजिटेबल्स आप डाल सकते हो, तो इस तरह से बच्चा उसको खाना ज़रूर पसंद करेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी बच्चे को ऐसे गोदी में लेटाकर खिलाने की आदत मत डालिए। पहली चीज़ तो लेटाकर खिलाना ही नहीं है, दूसरी चीज़ बैठाकर खिलाना है। अब आप बोलोगे कि जब बैठाकर खिलाते हैं तो बच्चा कभी प्लेट पे हाथ मार रहा है, बच्चे को संभालें या प्लेट को संभालें, क्या करें? कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको एक चेयर यूज़ करनी है, चेयर पर आप बच्चे को बैठाइए। अब आप बोलेंगे बच्चों को चेयर पर बैठाते हैं तो बच्चे भाग जाते हैं, यस बिल्कुल भागेंगे, तो आपको यूज़ करनी है बेल्ट वाली चेयर। हाई चेयर्स आती हैं, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, मार्केट में भी मिल जाएंगी। बेल्ट से बच्चे को टाई करो, आराम से बच्चा बैठकर खा लेता है। तो ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, ये टिप्स अपना सकते हो, तो बच्चा ज़रूर खाना खाएगा। वन ईयर का बच्चा सब चीज़ें खा लेता है, लेकिन उसको सही तरीके से हमें खिलाना है। सब्जी वगैरह से आपने पालक की कोई सब्जी बनाई तो उसको ग्रेवी फॉर्म में बनाओ, थोड़ा सा मैश्ड फॉर्म में बनाओ। पनीर बच्चे को ऑफर करो, पनीर बड़े शौक से खाता है, रायता बनाकर आप बच्चे को दे सकते हो गर्मियों के मौसम में, स्पेशली बूंदी का रायता, खीरे का रायता, ये बच्चों को बड़े पसंद आते हैं। उसके अलावा आप क्या दे सकते हो, पीज़। इस टाइम पर आप बच्चे को छोले, राजमा, ये सब चीज़ें भी ऑफर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बच्चा अब वन ईयर प्लस हो चुका है। तो छोले राजमा आप डायरेक्टली दोगे तो कई बार अटकने का चांस है, जब वो पक जाए तो उसको मैश करके तब आप बच्चे को ऑफर कीजिए, चावल के साथ मिक्स कर दीजिए। मैदा वगैरह अभी देना अवॉइड कीजिए, मैदा आपको अभी नहीं देनी है। गेहूं का आटा की बनी हुई रोटी, मल्टीग्रेन आटे की रोटी, ये सब चीज़ें आप बच्चे को ऑफर कर सकते हो। फ्रूट्स आप सारे खिलाओ बच्चे को। अब जब बच्चा आपका वन ईयर प्लस हो चुका है, देन प्लीज़ आप गाइस बच्चों को फ्रूट्स का जूस निकाल कर मत दो, बच्चे को डायरेक्टली फ्रूट्स खिलाने के अंदर डालो, ताकि उसके अंदर फाइबर भी जाए। फाइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। संतरे आ रहे हैं गर्मियों के मौसम में, तो संतरे बच्चों को छील कर डायरेक्टली खिलाओ, बजाय इसके कि आपने उसका जूस निकाला फिर बच्चे को दिया। जूस तो बच्चा तुरंत कटक जाएगा, लेकिन फाइबर्स कैसे जाएंगे बच्चे की बॉडी में? वो जाएंगे डायरेक्टली अगर आप बच्चे को डायरेक्ट खिलाते हो कोई चीज़। तो मैं तो अपनी राव्या को 14 मंथ्स की है, 12 मंथ से ही जो संतरा है, मौसमी है, उसको मैं डायरेक्टली छील कर खिलाती हूँ, बीज निकाल कर, कभी भी उसका जूस बनाकर उसको नहीं देती हूँ। और इसी टाइप से अंगूर हो गया, अनार हो गया, इनके जूस निकाल कर मैं कभी भी नहीं देती हूँ, उसको डायरेक्टली खिलाती हूँ। और किस तरह से आपको खिलाना है वो सब कुछ मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि फिलहाल वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है। सो गाइस, ये सब चीज़ें आप फॉलो करो, ट्रस्ट मी बच्चा बहुत शौक से खाएगा। और वन ईयर के बच्चे के साथ ये सब प्रिकॉशंस ज़रूर अपनाओ, बच्चा मज़े में खाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड देन बाय बाय एंड टेक केयर।